अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अच्छा, आज की अगर हम क्लोजिंग देखें तो अगेन मैंने आपको जिस तरह बोला था कि एक डोजी फॉर्म हो सकता है यहाँ पे, और अब देखिए इसकी जो कल का जो सेशन है बहुत डिसाइसिव होगा और इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अगर हम अगर यहाँ देखें तो वॉल्यूम बहुत अच्छे जनरेट हुए हैं। तो अगर हम देखें मार्केट तो इस वक्त साइडवेज है, लेकिन वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए हैं और RSI जो है वो भी हायर साइड पर है। अच्छा, एक 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 और चीज़ मैंने कल आपसे मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में तो लिख दिया था मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन वीडियो में शेयर नहीं किया था। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ रहा है वॉल्यूम के साथ साथ, जिस तरह यहाँ पे देखें डोजी फॉर्म हुआ था, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा हुए थे, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा था, डोजी फॉर्म हुआ था, यहाँ पे थोड़ा नीचे हमने देखा था वॉल्यूम थोड़ा श्रिंक हुए, लेकिन यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा था कल, तो उसका आज इम्पैक्ट देखा हमने पॉजिटिव, तो उसमें भी ये जो है हमें और मज़ीद इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया वॉल्यूम। लेकिन अभी फ़िलहाल मार्केट जो है ओवरबॉट जोन में है, वो तकरीबन 69-70 इसी के अराउंड जो है इस वक्त मार्केट जो है परफॉर्म कर रही है। अच्छा, दूसरा जो है थोड़ा यहाँ पे, एक तो टेक्निकली मैं आपको मैं बताता चलूँ, टेक्निकली जो है यहाँ पे जिस तरह यहाँ पर भी मैंने कहा था कि ट्यूजडे टॉप हो सकता है, क्योंकि यहाँ कैंडल्स फॉर्म हुई थी, तो मैंने कहा था नेक्स्ट कैंडल जो है वो डिसाइसिव होगी, वो बताएगी अगर बेयरिश है तो आपने एग्जिट हो जाना है, अगर बुलिश है तो आपने एंट्री लेनी है। जिस तरह यहाँ पे बुलिश हुई तो यहाँ पे एंट्री ली, तो यहाँ पे अच्छा खासा गेन मिल गया। तो इसी तरह यहाँ पे भी ज़रा कोशिश रहें, कल का दिन देखें, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर यहाँ से कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है और 43,900 या 44,000 के अबव अच्छी कैंडल फॉर्म होती है और ऊपर ही परफॉर्म करती है इसी के ऊपर मार्केट, तो ये MA 200 मैंने पहले भी कहा था डिसाइसिव होता है, वो डिसाइड करता है कि ट्रेंड क्या कौन सा है, डाउन ट्रेंड है अप ट्रेंड है, ये ट्रेंड डिफाइनिंग इंडिकेटर है। तो ये MA 200 जो है वो ट्रेंड डिफाइन करेगा, अगर यहाँ पे मार्केट जो है सस्टेन कर जाती है तो ये जो अगला जो रेजिस्टेंस होगा, ये ट्रेंड लाइन जो आ रहा है वीकली पे और डेली पे दोनों पे, ये मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है 46,200 के अराउंड, यहाँ पे 46,190 या 200 ये वाला लेवल है। ठीक है, तो ये इसको फिर ये रीटेस्ट करके हो सकता है नीचे आए। अच्छा, तीसरी इंडिकेशन जो हम आजकल इसमें लगे हुए, इसके बैक टेस्टिंग में, उसका हमने बैक टेस्ट किया हुआ है लेकिन अभी भी चल रहा है CPR, तो CPR का जो है वो आपको डिफाइन करके देगा कि इस वक्त जो है ना 43,560 के अराउंड CPR का जो अपर बैंड है बिल्कुल उसके ऊपर अभी मार्केट क्लोज हुई है। कल थोड़ी सी डाउन हुई थी लेकिन आज जो है आप उसमें अपसाइड देखी हमने, तो अब जो अभी यहाँ पे जो सपोर्ट, ये सपोर्ट लेवल भी है क्योंकि पिवोटल रेंज है, तो इन इन लेवल्स पे सपोर्ट भी आ सकता है और ऑनर भी हो सकता है। तो पहला तो इनिशियल तो यही है 43,568, एक तो ये है, ठीक है, तो अगर इसके नीचे कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो फिर ये यहाँ पे हमें मोहतात रहना चाहिए, यहाँ पे अभी हम कोई बाय ना करें, 42,600 देख लें कि यहाँ से कोई विक बनती है या कोई डोजी फॉर्म होता है तो फिर हम मजीद अपसाइड देख सकते हैं। अदरवाइज ये अगेन जो इनिशियल रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी वो जो है तकरीबन समझे एक इनिशियल सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन इसमें कन्वर्ट हो गए, तो ये और इसका लोअर बैंड भी है CPR का 41,766। ठीक है, अब आपको मैं राउंड फिगर में समझा देता हूँ, 41,700 बिल्कुल ये समझे ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, और 42,600 जो मिडिल बैंड है यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रह के काम करें, अगर नीचे आता है तो इसके भी नीचे एक बेरिश कैंडल फॉर्म होती है ऑन क्लोजिंग बेसिस, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ से फिर हमको जो है मजीद नीचे यहाँ पे देखने को मिल सकता है इंडेक्स का, क्योंकि 1,100 पॉइंट, तो हम यहाँ पे फिर बाय कर सकते हैं 41,700, अगर इसको भी ब्रीच करता है तो फिर ये नेक्स्ट लेवल होगा 40,700, मतलब ये समझे 1,000, यहाँ से अगर इसको बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो स्टॉप लॉस दे दें मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है, या एग्जिट कर दें नीचे क्योंकि बाइंग है यहाँ पे और स्टॉप लॉस दे दें, या फिर तो आपको ये फिर ये दो लेवल जो है रीटेस्ट कर देखने को मिल सकते हैं, ये वाले दो लेवल 41,700 और 40,700। और अगर कोई अनफॉर्चुनेटली कोई इकोनॉमिक साइड पे या पॉलिटिकल साइड पे कोई बैड न्यूज़ आती है
तो अगेन जो हमारा 39,000 का जो था, 39,200, 39,000, ये मेजर सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, तो उसके अराउंड भी हम विटनेस कर सकते हैं। अपसाइड के लिए मैंने जैसे बता दिया, और डाउनसाइड का मैं फिर से बता देता हूँ। अपसाइड जो है 46,200, 300, 46,100, ये आप जहन में रखें, इसी के अराउंड में जो है ये रेजिस्टेंस एरिया है इसका। और सपोर्ट एरिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 39,000 है। और CPR का मैं आपसे फिर अगेन जो आपके साथ शेयर करता जाऊँ, 43,600, सॉरी 43,500, 42,600 और 41,700। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप काम करें। जो स्टॉक अभी जिन्होंने समझे अभी लोअर साइड पर है, MA 200 को अब जिन्होंने अभी तक रीटेस्ट नहीं किया है, क्योंकि तकरीबन इंडेक्स के साथ साथ काफ़ी स्टॉक ने जो है उनको MA 200 को रीटेस्ट किया है, तो उन उनमें से कुछ स्टॉक मैंने पिक किए हैं। एक है आगा, आगा स्टील बहुत डाउन साइड पे था, और इसका लो अब तक का जो था वो 13 रुपये 36 पैसे, 35 पैसे, ये वाला लो था जो मैं इधर बता रहा हूँ। तो काफ़ी लोअर साइड पे था। अगर अगर इसका इसका भी हम RSI से देखें तो हायर साइड पे, ओवरबॉट जोन पे। लेकिन देखें साथ में इसमें भी वही, जिस तरह अभी मैंने इंडेक्स का शेयर किया कि डोजी फॉर्म हुए लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा हुए इसमें भी, तो इसमें भी हम एंट्री ले सकते हैं वही CPR को देखते हुए। आप इसमें भी देखें MA 200 का इसमें गुंजाइश बन रही है। MA 200 जो है 20 रुपये 28 पैसे तक है, तो ये एक हमारा टारगेट होना चाहिए। और बट लेकिन ये जो CPR है इसको आप देखते हुए जरूर चलें। ये जो अभी समझे इस वक्त जो अपर बैंड है 15 रुपये 98 पैसे का है, और 16 रुपये समझ लें राउंड फिगर में, फिर 15 रुपये 25 पैसे, 26 पैसे मिडिल बैंड है, और फिर 14 रुपये 30 पैसे ये लोअर बैंड पे, ये बहुत अच्छी सपोर्ट है। और इसी के पैरेलल एक और सपोर्ट है 13 रुपये 36 पैसे। अगर कोई विक बनती है यहाँ पे, कोई मार्केट में बैड न्यूज़ आती है, जिस तरह पहले भी हम विटनेस कर सकें एकदम मार्केट जो है नोज डाउन आती है, तो यहाँ पे कोई वीक बनती हुई नज़र आती है, तो इसके लिए भी आप कैश इन हैंड रखें। 13 रुपये 36 पैसे बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। और इसका जो फिबो के हिसाब से जो सपोर्ट, जो बहुत ही स्ट्रांग जो है फिबो सपोर्ट, जहाँ से हमारे इंडेक्स ने भी जो है बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाई, 39,500 था उसका फिबो, तो इसका भी फिबो सपोर्ट है वो 11 रुपये 85 पैसे है। अगर यहाँ मिलता है तो आप यहाँ ज़रूर लें, तो इंशाल्लाह यहाँ से आपको अपसाइड गेन बहुत अच्छा मिलेगा, अच्छी रैली बनाएगा ये। अच्छा, नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है फ्लाइंग फ्लाइंग सीमेंट। मैंने सोशल मीडिया में इसका मैंने चार्ट भी शेयर किया था, इंस्टाग्राम में भी अगर मुझे फॉलो करें तो उनको देखने को मिल गया होगा इंस्टाग्राम में। फेसबुक इस वक्त मेरा जो है अकाउंट लॉक हुआ हुआ है, तो काइंडली आप इंस्टाग्राम में जो है वो आप पोस्ट मेरी देख लिया करें, मैं शेयर कर रहा था। कल मैंने वीडियो नहीं बना सका था फ्लाइंग सीमेंट की, तो मैंने ये पोस्ट शेयर की थी, तो उसमें आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम में। अच्छा, इसमें बड़ा देखें यहाँ पर भी, अच्छा इसका भी मैं आगा का भी बता दूँ, ये आगा का भी देखें एक ये फॉलिंग वेज बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये एक बुलिश इसका आइडेंटिफिकेशन है, इसकी इंडिकेशन है। अच्छा, यहाँ पे जो है RSI थोड़ा सा ओवरबॉट है, और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को देखते हुए कुछ मजीद अपसाइड देख सकते हैं। लेकिन ये जो एरिया था ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, 16 रुपये 20 पैसे। देखें यहाँ से कई दफ़ा इसने इसको रिटेस्ट किया है ये वाले लेवल को, ये 1, 2, 3, 4, ये तकरीबन 4 टाइम 5, ये और इसके अराउंड तो बहुत आया है, ये वाले लेवल के अराउंड तो बहुत आया है ये, 16 रुपये से लेके 16 रुपये 34 पैसे तक। तो इस दफ़ा जो है इसने ये हाई बनाया है 16 रुपये 71 पैसे का, और क्लोजिंग जो है 16:27 पे ही हुई है, जो इसका एक तरह से समझे रेजिस्टेंस एरिया था। यहाँ पे रिजेक्शन आ रही थी बार बार, तो इसको CPR की मदद से अगर हम देखें तो आप इसका जो अपर बैंड है CPR का 15 रुपये 98 पैसे या 16 रुपये, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ रैशनली बाय कर सकते हैं, क्योंकि ओवरबॉट है तो नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है 15 रुपये 25 पैसे, 26 पैसे, फिर इसके बाद 14 रुपये 30 पैसे और 35 पैसे, ये एक सपोर्ट है। और 13:36 जैसा मैंने पहले बोला बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 11:85 भी तो आपने बाय करना है इधर, क्योंकि फिबो का है ये, तो यहाँ से अपसाइड आपको ये अच्छी खासी रैली बनाता हुआ आप इसमें देख सकते हैं कि रैली बना सकता है यहाँ से ये। अच्छा, अपर साइड पे जिस तरह मैंने पहले बताया इसका MA 200 जो ट्रेंड डिफाइनिंग लेवल है, ट्रेंड चेंजिंग लेवल है, वो है 20 रुपये 28 पैसे। तो अभी इस वक्त जो अगर हम देखें चार्ट के हिसाब से, तो
इसका तो हमें ब्रेकआउट तो मिल गया जो इनिशियल रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका जो चैनल टॉप है वही इसका जो है समझे एमए ट्रेंड जो अभी जो फिलहाल ये छोटे शॉर्ट ग्राफ में अगर हम देखें यहाँ पे तो ये इसका जो लेवल है ये समझ लें 20 रुपये 60 पैसे से लेके यहाँ पे बहुत एक्यूमुलेट हुआ है 21 रुपये 6 पैसे। यहाँ पे भी एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना, तो ये बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल्स हैं ये वाले। ये वाला लेवल ठीक है, इसको मैं 1 मिनट MA 200 को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, आपको समझ नज़र तो आ गया होगा। तो ये MA 200 ठीक है, तो ये इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ये यहाँ पे भी रेजिस्ट जैसे कहते हैं ना रैली बनती है तो एक विक बनती है बहुत बड़ी कभी, तो यहाँ पे विक बनते हुए देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कई दफ़ा विक बनी और ये स्टॉक नीचे आया है। तो इसमें भी वही बुलिश जो है फॉलिंग वेज है और फ्लाइंग में भी देखें तो बुलिश फॉलिंग वेज है, तो इस वजह से हम इसमें मार्केट में रैली बनते हुए देख सक रहे हैं। अच्छा, फ्लाइंग का मैं एक ये बता दूं 8 रुपये 35 पैसे के करीब करीब ही है, तो ये 8 रुपये 35 पैसे एक हर्डल है बीच में, और इसमें भी अगर हम देखें तो वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए हैं यहाँ पर भी, और RSI अगेन ये 70 के अराउंड है, तो हो सकता है यहाँ से ये रेजिस्टेंस आपको दिखा सकता है और रिजेक्शन भी आ सकती है 8 रुपये 35 पैसे पे। और अगर रैली बने तो ये तकरीबन आपको ये 8 रुपये 66 पैसे भी दिखा सकता है, मैं यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया था। तो ये सब सेलिंग एरियाज हैं अभी इस पर, क्योंकि स्टॉक जो है अलॉन्ग विद मार्केट स्पेसिफिक स्टॉक सब ओवरबॉट जोन में है, तो यहाँ पे ओवरबॉट जोन में ज़रा केयरफुल रहना चाहिए। इसको मैं रेड कर देता हूँ, ये वाला 8 रुपये 35 पैसे से लेके 8 रुपये 65 पैसे। अच्छा, अब जो है हमारा इनिशियल टारगेट होगा इसके ब्रेकआउट के बाद 9 रुपये 91 पैसे 90 पैसे, ये वाला जो लेवल है ठीक है। अब इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे 9 रुपये 90 पैसे के ऊपर भी क्लोजिंग आती है फर्ज करें, ये भी एक 10 रुपये 27 पैसे, यहाँ पे भी एक मैं हल्की सी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला जिस तरह मैंने आगा कर किया था, ये वाला 10 रुपये 24 पैसे से 9 रुपये 90 पैसे से लेकर 10 रुपये 24 पैसे। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 12 रुपये, और 12 रुपये के ब्रेकआउट के बाद जो 15 रुपये 50 पैसे लेके, ये मैंने यहाँ लिख दिया, मैं यहाँ बता भी देता हूँ, मैंने बनाया हुआ है ये 1554 राउंड फिगर में ले लें, 15 रुपये 50 पैसे से लेके 7 रुपये 20 पैसे, ये फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।